मंगलवार की शाम दिल्ली बीजेपी सीएम केजरीवाल पर एक बार फिर हमलावर हो गई। इतना ही नहीं, केजरीवाल से इस्तीफा भी मांगने लग गई। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल पर अचानक ही बीजेपी भड़क गई। आम आदमी पार्टी के आम सीएम अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने का झूठा दावा करते रहे हैं, आज फिर उनकी कलाई खुल गई। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज़्यादा है। हैरानी इस बात की है कि जब पूरी दिल्ली कोविड में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय इस नलायक मुख्यमंत्री ने इन सब चीज़ों के ऑर्डर दिए। 1 सितंबर 2020 ये पीक टाइम था कोविड का, 8 जून 2021 ये पीक टाइम था जब लोग मर रहे थे, लोगों को मदद नहीं मिल रही थी, 22 अक्टूबर 2021 ये पीक टाइम था जब इसको टैंकर मुहैया कराने थे ऑक्सीजन के, इसको इलाज कराना था, लेकिन ये उस समय दिल्ली के मजदूर भाइयों को भगाने में लगा था, उनका पलायन कर रहा था, लेकिन अपने घर में 48 करोड़ से ज़्यादा का आप फर्नीचर और ये सब लगाएंगे, किसका पैसा है जी? ये दिल्ली की जनता की कमाई है, ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी बंगले को चमकाने में 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर डाले। इसी को लेकर केजरीवाल बीजेपी के निशाने पर आ गए। देखिए, अपने आप को कट्टर ईमानदार लोग बोलने वाले, अपने आप को आम आदमी लोग बोलने वाले लोग अगर घर की रेनोवेशन पे 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 45 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, वो भी घर की रेनोवेशन के लिए, तो इनकी कट्टर ईमानदारी पे सवाल तो उठेंगे। सवाल ये है, आप 1 करोड़ रुपए देते कंसल्टेंसी फीस के लिए जो इंटीरियर डिजाइनर आपने हायर किया होता है, घरों के पर्दे बदलवाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 1.25 करोड़ रुपए मार्बल जो लग चुका था उसको दोबारा लगवाने के लिए वियतनाम से इंपोर्ट किया जाता है मार्बल, उसमें 6 करोड़ रुपए खर्च करते हो, 11 करोड़ रुपए खर्च करते हो आप वार्डरोब्स के ऊपर, सवाल तो उठना वाजिब है। और ये कोई आम अरविंद केजरीवाल के खुद का पैसा नहीं था, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, कोई आपके घर का पैसा नहीं है कि दर्द होगा आपको, क्योंकि आपको दर्द इसलिए नहीं हुआ कि आपका अपना पैसा था नहीं, दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा था, उड़ाए जाओ, कौन सा अपना माल है। इसीलिए मेरा मानना है जो अपने आपको जो कट्टर ईमानदार और आम आदमी लोग बोलते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी चोट है, नैतिकता थोड़ी सी भी है ना अरविंद केजरीवाल को, तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को। वही बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अभी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को निशाने पर लिया और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए आपको खास आदमी पार्टी करार दिया। बीजेपी का दावा है कि शहर के सिविल लाइंस इलाके स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर के रेनोवेशन पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के आधार पर कहा गया 43 करोड़ 70 लाख रुपए की स्वीकृत राशि के मुकाबले कुल 44 करोड़ 78 लाख रुपए सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर खर्च किए गए। दस्तावेजों से पता चलता है कि राशि 9 सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में खर्च की गई। दस्तावेजों के मुताबिक कुल खर्च में 11 करोड़ 30 लाख रुपए इंटीरियर डिजाइनिंग पर खर्च किए, 6 करोड़ 2 लाख रुपए पत्थर और मार्बल पर खर्च किए गए। कहा गया है कि मार्बल वियतनाम के हैं, 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए दिए गए, 2 करोड़ 58 लाख रुपए बिजली फिटिंग पर खर्च हुए, तो 2 करोड़ 85 लाख रुपए आग बुझाने के इंतजामों पर खर्च हुआ, 1 करोड़ 41 लाख रुपए वार्डरोब और एसेसरीज फिटिंग पर और किचन यूटेंसिल्स पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का खर्च किया गया। वहीं आरोपों का बचाव करते हुए आपके वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास 75-80 साल पहले 1942 में बनाया गया था, घर के अंदर से लेकर बेडरूम तक छत से पानी टपकता था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने ऑडिट के बाद इसके जीर्णोद्धार की सिफारिश की थी। ये बंगला प्राइवेट तो है नहीं, एक सरकारी बंगला है, दूसरे सीएम और पीएम से भी तुलना की जानी चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।